Hi, hello, Saint Josephians. X for the principal, X Mrs. Manira Gulzar. Crazies in the present moment, dedicated to Mrs. Manira Gulzar. In the present moment, clingers. Hum bahut confused hain, Sarah Jawad. ये डायरी में इसने लिखा है कॉलेज में ही कि मम्मी प्रिंसिपल ब्रिंग्स मी पीस. ये जो रूह को एक राहत मिली है, ठंडी सांसें लिया है इतने सालों बाद लोगों ये मिस डिसा की जुदाई में. कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने एक भी ठंडी सांस ली हो घुटन घबराहट में डिप्रेशन. और क्या मैं कहूँ, रेस्टलेसनेस, फिश आउट ऑफ वाटर. तो जब रूह को राहत मिली कॉलेज में, प्रिंसिपल और खुदा मिल गया, तो फिर सोशल वर्क का क्या हुआ? क्यों नहीं मदद कर सकी? अब ये क्यों खुदाया कि कार में हैं, स्लो स्पीड पे ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई वॉक कर रहा है, फिर भी रेस्टलेसनेस नहीं है, घबराहट नहीं है. प्रिंसिपल साथ है, ड्राइव कर रही है, बारिश बहुत है, खुशियाँ हैं, वेदर ब्यूटिफुल. उस रास्ते का बेगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्यों कि वो गाना याद आ रहा है, ये मौसम आया है कितने सालों में, आ जा के खो जाए ख्वाबो ख्यालों में. ये लोगों, प्रिंसिपल ने इसको सही कहा कि यू आर ऑन क्रचेस. You are physically on crutches, yeah, in spirit you are on crutches. ये बेचारी प्रिंसिपल को मिली है टूटी फूटी, broken in spirit. अब जो pieces हैं उसको दोबारा समेटना है. gathering हो रही है, क्या हो रहा है? ये सोच रही है कि I will not forgive the person who has scattered my pieces, broken heart, broken spirit, and I cannot gather them. I'm trying for my principal to give her my very, very best, or even just my best. Is just 1% or something. तो ऐसे करके इसको मिस डिसा पे और भी गुस्सा आया और नफ़रत होने लगी. इसने रियलाइज़ किया, ओ माई गॉड, मैं तो बहुत ब्रोकन हूँ. और लेकिन रूह में तो एक पीस है, पेशेंस हाथ में है, खुदा है, लग रहा है सब कुछ सही है. लेकिन बाहर भी सही है, अंदर कुछ पीसेस अभी तक ब्रोकन है. मैं गैदर कर रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा है. और जब इसको मिला है स्पिरिचुअल पर्सन का एड्रेस मैग में, कराची में, ये बागी है कि पता नहीं क्या है,
मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। तो उसने उन्होंने कहा है, बेटा आप पे है थोड़ा जादू का असर, तावीज़ दिया है जलाने के लिए ये मग़रिब के टाइम पे 3 दिन, और इतना इनएक्सपेंसिव कि ये तो क्या कोई गरीब भी अफोर्ड कर सके। वैसे ये हैरान परेशान, इसकी माँ ने कहा था और कहती थी कि सिर यानी विचक्राफ्ट ब्लैक मैजिक से अच्छा तो मोहब्बत है, ईरानी में कहावत है, कहावत कहना नहीं था कहना पड़ा है, प्यार का जादू सबसे बड़ा है। तुम देखो क्या क्रिश्चियन ने किया है, नंस ने, डॉक्टर फॉ ने किया है उधर क्या, और मदर टेरेसा ने कलकत्ता में क्या किया, लेपर्स को किस किया, क्या नहीं किया। और तुम तो ठहरी सेंट जोसेफ्स कॉलेज के सैंड को किस करने। मदर टेरेसा ने इतना किया और इतना बोला, सही तरह लेटर लिखा कि बाबा आप लोग जॉर्ज बुश को लिखा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, सद्दाम हुसैन को लिखा कि लड़ाई नहीं करो, वॉर्स नहीं करो, पैलेस्टाइन को बोला, इज़राइल को बोला, एक नहीं सुने। मदर टेरेसा ह्यूमैनिटेरियन, ये 1 in a billion में आते हैं, लेकिन अपनी बात करो तुम तो इतनी डूबी हुई, इतनी टूटी हुई के मोहब्बत के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गईं, और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम नहीं पूरी कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। कराची को मदद करना था, उठाना था, लाइट देनी थी, मेडिसिन देने थे, डॉक्टर बन जाती, नर्स बनती, सोशल वर्कर बनती, क्या कि खुदा ने चाहा है अब छोड़ दो पाकिस्तान को, मम्मी के लिए जाओ लंदन लॉ करो, लॉयर बनो, पढ़ो लिखो, सोशल वर्क छोड़ दो, नहीं करना तुम्हें, और इसको ये कि मुझे रिफॉर्म करना है इनहेरिटेंस लॉ, फैमिली लॉ, कराची सिंध पाकिस्तान में नया लॉ लाना है। और फिर तुम अभी की बात करो 1998 जब तुम वापस आई हो, बेचारा द ग्रेटेस्ट हकीम सैयद मार डाला, उनको असैसिनेट किया और मुझे पागल कर दिया, कितनी अच्छी तरह पागल किया, और रिजेंटमेंट्स लाए हैं। ये क्या बात हुई कि एक सैयद आया, बोलने लगा कि हाँ मैं तुम्हें सच्चाई दूंगा, हाँ तो मम्मी से नहीं मिलो, किसने कहा ये कि रिश्ते नाते भूल जाओ और सच्चाई को ढूंढो, मम्मी को भूल जाओ, तुम ऐसे करो अपनी वाइफ को तलाक दे दो। लंदन चले गए वो सैयद यूसुफ़ ज़ैदी, अपनी वाइफ को लेके गए हैं,
और ये क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा है? इधर आओ, मेरी माँ यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। यूएई के हैं हम लोग, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत है। ब्लड पाकिस्तानी हो ना हो, माँ का तो ब्लड पाकिस्तानी है। खैर, हम किसी को कर्ज नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा पागलपन हो गया कि हम बता नहीं सकते हैं हम अपनी मम्मी को कर्ज करने लगे। और क्या नहीं किया, ये क्या आंसू खून के हम पी गए। अगर ऐसे जैसे हम फील कर रहे थे आंसू निकलते, तो खून के होते, खून से कम नहीं होते। इससे कि बहुत बड़ा इंसानियत का, मोहब्बत के दिलों का, खुदा के मुआजजे का कत्ल हुआ है।